हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। और आज है सैटरडे, वीकेंड है, छुट्टी है हम लोगों की। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया मैंने, और कीर्तेश और सोनू चले गए ब्रेकफास्ट करके कार की सर्विसिंग कराने के लिए। बहुत जल्दी हम लोग कहीं तो ट्रैवल करने वाले हैं कार से, तो सोचा कि उसके पहले कार की एक बार सर्विसिंग करा ली जाए। तो वो दोनों गए हुए हैं सर्विसिंग कराने, ब्रेकफास्ट उन्होंने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया। मेरा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, आई एम नॉट कीपिंग वेल, थोड़ा सा अंडर द वेदर हूँ, क्योंकि जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ ना, तो ऑफिस का एसी इतना ज़्यादा होता है, इतना मतलब एक्सट्रीम एसी कर देते हैं। आई रियली डोंट नो कि किसको बैंगलोर में गर्मी लग रही है यार, अभी तो इतना अच्छा वेदर हो गया है, फिर भी। तो मैं हमेशा लाइक नॉट ओनली मी, मेरे जितने भी कलीग्स हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, कई बार तो चलता है कि वो सब अंडर द वेदर हो जाते हैं। तो मेरा कल से इतना गंदा वाला हेडेक हो रहा है, तो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है। तो मेरा फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। और अभी मैं आप लोगों से बात ही कर रही हूँ, तभी मुझे आया है कीर्तेश का कॉल। नीचे ही पहुँचे थे शायद, वो थोड़ी दूरी पहुँचे होंगे, तो वो पता नहीं बोले कुछ तो आ रहा है, कुछ आया है, पता नहीं क्या, मैं वो लेकर आ रहा हूँ, तो ओपन द डोर। मैंने बोला ठीक है, तो मैं भी दिखाती हूँ आप लोग को एग्जैक्टली आया क्या, आया है क्या, लेकर आए हैं। हाय गाइज, अभी बज रहा है शाम का 5 और मैं मस्त सो के उठी हूँ। मैंने जो अभी अभी लास्ट जो अपनी क्लिप देखी ना, उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई और मैं सो गई, और मैं अभी उठी हूँ। अभी मैंने देखा बज रहे थे 5, मैंने कीर्तेश को कॉल किया, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हैं, वो अभी अभी वहीं है सर्विसिंग सेंटर पे। तो मैंने वही पूछा तुम कब आने वाले हो, और उन्होंने सुबह से ना तो कुछ खाया है, जो ब्रेकफास्ट करके गए थे वही है। आई नो ही इज़ गोना बी वेरी वेरी हंग्री, तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम कि वो आ जाए जल्दी से, क्योंकि सुबह से बस वो ब्रेकफास्ट करके गए और कुछ भी नहीं करके गए हैं। ओके, तो मैं एक्चुअली सुबह ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया, बट मेरे माइंड में कुछ था, आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक टू यू गाइज़। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, वी आर 5K फैमिली, एंड थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जो इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं, मतलब वीडियोज़ देखते हैं। मुझे कभी कभी लगता है, आई थिंक कीर्तेश भी आ गए, कार की आवाज़ आ रही है। मुझे कभी कभी लगता है ना, कुछ लोग को लगेगा अरे 5,000 कौन सी बड़ी बात है, कौन से 5 मिलियन हो गए, बट मेरे लिए 5,000 बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं अभी अपने घर पे कोई फंक्शन भी करूँ ना, और मैं अपने जितने दुनिया में रिलेटिव हैं उनको भी बुलाऊँ ना, तो भी मैं 5,000 लोगों को कलेक्ट नहीं कर पाऊँगी, मतलब तो भी मेरे कोई फंक्शन में ना 5,000 लोग नहीं आ पाएंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दैट एटलीस्ट यूट्यूब की वजह से वी आर फैमिली ऑफ 5,000। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार करती रही, इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आते हैं, मैं सब सारे कॉमेंट्स का जितना भी हो सकता है मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। मेरा ये एक्चुअली जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो मैं कीर्तेश को बोलती थी कि चाहे मेरे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाएं, मैं कितनी भी बिजी हो जाऊं, जो भी कमेंट्स आएंगे ना उनका रिस्पांस मैं खुद करूंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लकीली मुझे नेगेटिव कमेंट्स अभी उतने नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं तो वो मैनेजेबल है, बट आई ऑलवेज़ सी कि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ज़्यादा आते हैं और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जो भी प्यार देते हो उसके लिए सो थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू मीट यू गाइज कहीं ना कहीं, कभी अगर हम टकराते हैं तो प्लीज़, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोग के नाम पढ़ रही हूँ, आप लोग हमारा चेहरा देख रहे हो, तो प्लीज़ आओ मिलो, हाय हेलो बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो या वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैंने बोला, कार की आवाज़ आ चुकी है, और आई थिंक हमारी ही कार की आवाज़ है, कीर्तेश आ गए हैं। लेट्स सी, अगर उन्होंने कुछ खाया है रास्ते में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ही इज़ गोना बी वेरी वेरी हंग्री, और फिर वेन ही इज़ हंग्री ही इज़ वेरी एंग्री। मैंने कहा तुम लोग आओगे तो ओपन करोगे, मैं अकेले क्यों? आते ही देखो, देखो कितना भूखा है। तो एक इडली से क्या होगा? आत्मा शरीर से ना आत्मा चली गई थी, फिर जब खाना खाया ना तो ऐसा लगा किसने आत्मा अंदर डाल दी। हो सकता है भाई, या सुबह से खा के क्या गए थे, कुछ तो कर खा के गए नहीं थे ना, मतलब ऐसे सॉलिड की पेट भर आ रहा है, और खुद तो खुद वो भी बेचारा बच्चा, थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। बच्चे ने ट्राई किया इधर उधर ले का फंटा वेंटा मिला, पर थोड़ा हैवी वाला ले रखे थे सब लोग, हैवी कुछ नहीं मिला। वो भी सिगरेट की दुकान से खरीदना पड़ा, कोई दुकान नहीं थी कुछ खाने के लिए। तो सिगरेट की दुकान दुकान नहीं होती, मतलब ऐसा, मतलब वो टपरी से लिया, छोटी टपरियां नहीं होती, समझ गए, छोटी टपरी से वो लोग 5 रुपए का इसलिए रखते हैं कि चेंज नहीं हो तो दे दें। तो वैसे मैंने आधे घंटे पहले तुम्हें बता दिया था कि विदिन हाफ एन आवर हम आने वाले हैं, कुछ बना के रखा है, खाना बना रखा है, खाओ, गरम कर दिया है क्या? बैठे सांबर सांबर, चलो खा लो फिर करो कुछ। ये बैग क्यों ऐसे फेंक दिया बेटा, क्या चाह रहे हो? तो आज पूरे दिन जिम नहीं गए गए हैं लोग, क्योंकि मैं नहीं गया, मेरी तबीयत खराब थी, मैं आराम कर रही। सोनू भी तैयार हो रहा है जिम के लिए,
और सौम्या भी तैयार हो चुकी है, ये दोनों मेरे कॉपी करते हैं पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अब ये भी जा रहे हैं और आज इवनिंग हो गई इससे 7 बजने वाले हैं। तभी हम लोगों ने किया जिम, जिम से हुए हम लोग डन और हम लोग आ गए हैं स्टूडियो, क्योंकि जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो हमने सोचा एक बार स्टूडियो भी एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि स्टूडियो के और हम स्टूडियो इसलिए आ गए क्योंकि स्टूडियो के दूसरे पार ही हमारा जिम है, वो एक साइड पे स्टूडियो दूसरे साइड पे जिम, एग्जैक्टली, मेला लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, क्योंकि यहां सेल लगी हुई है, करेक्ट, एवरीथिंग फॉर 499 और लेस, बहुत ही भयानक सेल है, इसीलिए भयानक भीड़ भी है। तो हम लोग जैसे ही स्टूडियो के अंदर घुसे तो सबसे पहली चीज़ जो हमने नोटिस की, बहुत ज़्यादा रश। आई थिंक दो कारणों से रश था, एक तो वीकेंड था और दूसरा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है। तो जो जिस स्टूडियो में हम गए थे उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो है वुमेंस वेयर, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की वो थी यहाँ पे विमेन टॉप। जो टॉप्स की रेंज थी वो 199 से लेकर 499 तक थी, अलग अलग वेराइटीज़ थी, अलग अलग वेरिएशंस थे। 499 वाले की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो 199 वाला था उसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद में डेनिम वेयर, इन पे कोई सेल नहीं थी, सिर्फ टॉप पे या कुछ ही चीज़ों पर सेल थी, काफ़ी मतलब सब पे सेल नहीं थी, कुछ ही चीज़ों पे सेल थी, तो दैट यू हैव टू लुक, और यहाँ पर काफ़ी मेंशन भी किया गया था सेल वगैरह। उसके बाद में ये आप देख सकते हो ये पूरा डेनिम सेक्शन है, यहाँ पर बिल्कुल भी सेल नहीं थी, ये सारे फ्रेश पीसेस थे। उसके बाद में नाइट सूट्स पे काफ़ी ज़्यादा सेल थी। स्टूडियो में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इन लोगों का जो कलेक्शन है, करेंट कलेक्शन है, वो फेस्टिविटीज़ को ध्यान में रख के लाया गया है, तो यहाँ पर टॉप और डेनिम और उन सब पे कम सेल थी। मैंने देखा कि जो लेडीज़ कुर्तीज़ कुर्ता और वो सारी जो चीज़ें थी उनमें काफ़ी अच्छी सेल थी और काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी था, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था तो मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई। और यहाँ पर क्योंकि जैसे अभी बैंगलोर में हूँ मैं, तो बैंगलोर का वेदर काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो इन्होंने यू नो थोड़ा थोड़ा विंटर वेयर भी लाना शुरू कर दिया है। ये सेल में नहीं है, 899। ये अच्छा लग रहा है ना। और ये जो आप सारे पैंट्स देखोगे अभी, ये सारी की सारी ज़ारा की ड्यूब्स हैं। अभी ना बहुत जल्दी मेरा एक मिनी व्लॉग भी आने वाला है, और अगर आपने मेरा ज़ारा वाला जो हम गए थे वो व्लॉग देखा होगा तो उस पर मैंने एक ऐसी ही सेम पैंट ब्लैक कलर की दिखाई है, ये सेम क्वालिटी थी, बट ऑब्वियसली इसका प्राइस और उसके प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर है। सो इस बार ना मैंने एक और चीज़, नई चीज़ जो स्टूडियो में नोटिस करी कि जो कैजुअल का कलेक्शन है वो एथनिक से काफ़ी कम था, मतलब कैजुअल में मुझे उतनी वैरायटी नहीं मिली, लाइक ड्रेसेस थी, डेनिम था, टॉप था, बट एथनिक में जो वेरिएशंस थे कुर्तीज़ में और यू नो ट्रेडिशनल जो टॉप्स आते हैं उनमें, वो काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा। तो यही कारण था कि मैं गेस कर रही हूँ कि जो अभी फेस्टिविटीज़ आने वाली हैं उसको कंसीडर करके इन लोगों ने अभी यू नो नया कलेक्शन लॉन्च किया है। और ये वाले सेक्शन में जो आप देख सकते हो कुर्ती 199 से स्टार्टिंग हो रखी है, और ऐसा नहीं कि 199 है तो इसकी क्वालिटी ख़राब है, मैंने क्वालिटी भी चेक करी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ ऑब्वियसली अगर आप 1000 रुपीज़ की कुर्ती ले रहे हो और 199 की ले रहे हो तो उसमें डेफिनेटली क्वालिटी में डिफरेंस तो होगा, बट उतनी ख़राब नहीं है, आराम से आप इसको पहन सकते हो। तो गाइज़ जिम से हम लोग सीधा ही स्टूडियो चले गए थे, अचानक से हमारा प्लान बना, एक्चुअली हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है और हम लोग का ऑलरेडी एक ट्रैवल डिसाइडेड है, तो हमने सोचा कि चलो एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या पता कुछ मिल जाए।
बट हम जब वहाँ गए तो हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं हुआ। बट ऑब्वियसली कुछ बहुत ही नया कलेक्शन आया हुआ है। एक्चुअली जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ पर सब कुछ फेस्टिविटीज से रिलेटेड था, तो हमारा तो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाया, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिया। बट अगर आप कुछ लेना चाह रहे हो फेस्टिवल से रिलेटेड, कुछ गिफ्ट्स आप यू नो किसी को देना चाह रहे हो, और अगर इफ़ यू आर स्टूडेंट, इफ़ यू आर इन बजट, तो यू नो डेफिनेटली आप जाओ ज़ोडियो, ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अमेजिंग ऑप्शंस हैं। मैंने तो अपने घर की सारी लेडीज़ को ये क्लिप्स भेज दी हैं कि भाई अभी अगर आपके घर के पास में ज़ोडियो है तो डेफिनेटली जाओ और एक्सप्लोर करो, और फेस्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें खरीदो और इन्जॉय करो। तो बस गाइज, आज का ब्लॉग इतना ही था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में।